हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज हम गोप्रो का सेटअप करने वाले हैं हेलमेट में। इसके लिए हमें चाहिए एक हेलमेट एंड एक गोप्रो, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक अडेप्टर गोप्रो के लिए। इसके बिना आप माइक कनेक्ट नहीं कर सकते हो गोप्रो से। एंड ये मैं गोप्रो बाहर निकाल चुका हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो या तो डल चुकी होगी या फिर मैं डालने वाला हूँ वो मेरे दूसरे चैनल पे। एंड उसके बाद ये हमने एक सस्ता सा माइक लिया है मानो का, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करो। एंड ये चीपेस्ट में बेस्ट लगा मुझे। एंड कुछ गोप्रो के लिए कुछ एसेसरीज ही समझो। एंड इसमें मैं चिन माउंट लगा चुका हूँ। एंड ये एक्सन प्रो का है, एक और ब्लू आर्मर करके कंपनी है उसका भी आता है। तो आप इस वीडियो में हम इसी को अरेंज करेंगे। सो आओ देखते हैं वीडियो। तो हमें गोप्रो के सेटअप के लिए जो भी सामग्री चाहिए होगा वो हमने अरेंज कर लिया है। एंड उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक हेलमेट में आप देख लेना कि आप जो भी हेलमेट लो उसमें ये पैडिंग रिमूवेबल हो। एंड ये पैडिंग को आपको रिमूव करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये जो चिन कर्टेन होता है ये देख लेना कि आपके पास हो, क्योंकि ये विंड ब्लास्ट से बहुत प्रोटेक्ट करता है एंड साउंड में थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे हम पैडिंग को सबसे पहले रिमूव करते हैं। मैं एग्जॉर का हेलमेट यूज कर रहा हूँ फिलहाल तो। एंड इसे कुछ स्टील बर्ड एंड स्टर्ट्स के भी हेलमेट आते हैं जिसमें रिमूवेबल पैडिंग होती है आजकल, मतलब आते हैं ऐसे हेलमेट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहां से पैडिंग रिमूव कर लेता हूं। तो ये मैंने जो भी पैडिंग की निकाल ली है, ये मैंने जैसा बताया मैंने ऑलरेडी माउंट कर रखा था अपने मोबाइल के लिए। एंड बट अब हम गोप्रो पे शिफ्ट हो चुके हैं तो गोप्रो के मतलब पर्पज से भी ये काम आ जाता है। एंड उसके बाद हमें चाहिए होगा गोप्रो। जो मैंने एसेसरीज एडिशनल मंगवाए थे वो आपको दिखाऊं। ये एक गोप्रो के केस है जिसमें गोप्रो और उसका अडेप्टर के लिए भी स्पेस है। तो उसके बाद इसे बस जो इसमें नॉर्मल इससे आप व्लॉगिंग भी कर सकते हो, बट इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो ये एक एडिशनल है। एंड यहाँ पे आप चाहो तो लाइट या फिर माइक माउंट कर सकते हो। ये एक अलग से आपको ये रिंग गोल्ड रिंग सा दिख रहा होगा। एंड इसमें आप कोई भी फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, एनडी फिल्टर जो कि कैमरा के लिए आता है वो इसमें भी लग सकता है। ऑल दो गोप्रो के लिए एक अलग से एनडी फिल्टर भी आते हैं। एंड उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे एक छोटा सा लेंस कवर है जिसमें आप ऐसे इसको अगर यूज नहीं कर रहे हो गोप्रो तो यहाँ पे आप माउंट कर सकते हो। एंड उसके बाद सबसे पहले ये गोप्रो ले लेते हैं। एंड गोप्रो में आपको सबसे पहले तो गोप्रो की बैटरी कवर होती है, उसे आपको रिमूव करना होता है। ये नॉर्मली इसे ऐसे लगा होता है, इसे आपको रिमूव करना होगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ। एंड उसके बाद इसमें स्लाइडर, उसे आपको करना है तो ये इसका ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे भी एक स्लाइडर, इसे करने के बाद ये बैटरी कंपार्टमेंट खुल जाएगा। एंड उसके बाद इसमें ना गोप्रो माउंट करना है, ऐसे बहुत इजी है। तो ये गोप्रो अंदर चला गया। एंड उसके बाद ये कवर भी लगा लेते हैं एंड ये बैटरी कवर भी लगा लेते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड उसके बाद चलते हैं माइक अडेप्टर पे। तो माइक अडेप्टर मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ बट मैंने देखा नहीं था, तो निकालते हैं इसे। तो सिंपली इसमें एक छोटा सा लाइफ टाइम वारंटी एंड उसके बाद ये माइक अडेप्टर, बिल्ड क्वालिटी गोप्रो है तो भाई अच्छा ही होगा। तो इसे सिंपली क्या करना है, तो एंड यहाँ पे आपको टाइप सी एंड एक ऑडियो जैक भी मिल जाता है, ठीक है। एंड ये 3.5 mm नहीं होता, इसे शायद TRS जैक बोलते हैं जो माइक के लिए आता है। एंड उसको इसमें क्या करना है आपको, सिंपली इसे इस तरीके से इंसर्ट करना है। एंड इस साइड मेरा ये अडेप्टर इंसर्ट होगा, तो इसे ऐसे मैं ले आता हूँ। एंड उसके बाद इसे मैं सिंपली यहाँ से प्लग कर दूंगा, ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ से आपको ये यहाँ पे माउंट हो जाएगा। उसके लिए भी एसेसरीज है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ से आप चाहो तो इससे चार्ज भी कर सकते हो। एंड ऑडियो आउटपुट रिकॉर्डिंग के लिए भी यहाँ पे है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। एंड यहाँ स्विच ऑन ऑफ के लिए गोप्रो को। एंड इसमें फीचर है गोप्रो 11 में कि आप ऑन द गो इसे बस आप क्लिक करो तो भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गोप्रो ऑन करना पड़ेगा पहले। एंड यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस भी दिख रहा होगा, ये इंडिकेटर है, रेड कलर का लाइट है जो कि इंडिकेट करता है कि गोप्रो आपका रिकॉर्ड कर रहा है या फिर चार्ज भी करोगे तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा ये। एंड उसके बाद अगर ये जो आप देख रहे थे इसे अब मैं ऐसे लगा सकता हूँ अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ गोप्रो तो, ऑल्दो मैं ये लगाना प्रेफर करता नहीं हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे टेम्पर्ड लगा रखा है। एंड उसके बाद अब बात करें एडिशनल एसेसरी जो जिसके थ्रू ये हेलमेट में माउंट होगा, तो उसके लिए ये एक इसे जे हुक बोलते हैं। एंड देख रहे हो ऐसा, एंड ये सिंपली ऐसे माउंट हो जाएगा।
यहाँ पे ऐसे बस स्लाइड करना है, ये माउंट हो गया बहुत अच्छे से माउंट हो रखा है। एंड उसके बाद इसका स्ट्रीव, एंड जैसे अगर मैं मान लो कि इसे ऐसे माउंट कर, मैं सिंपली इसे ऐसे लगा देता हूँ एंड उसके बाद मैं देख लूंगा इसमें तो, एंड इसे मैं स्क्रू कर सकता हूँ, स्क्रू टाइट कर दूंगा तो ये स्क्रू टाइट होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। बट आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे कि स्पेस बहुत कम बचा है। RR 310 पे इसे अगर चलाऊं तो मेरा थोड़ा स्टांस ऐसा होगा कि मैं थोड़ा झुका होऊंगा तो ये उतना व्यू कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए एडिशनल मैंने कुछ एसेसरीज मंगवाए हैं। ये टू वे एक्सटेंशन है GoPro के लिए, इसे सिंपली मैं ऐसे लगा लेता हूँ। एक्चुअली में इसमें क्या है कि आप इसे स्क्रू को ढीला करके आप इसे वर्टिकली भी माउंट कर सकते हो ऐसे। एंड यहाँ पे आपको मैं GoPro लगा के दिखला देता हूँ, एंड जैसे ये GoPro लग गया है एंड ये ऐसा कुछ वर्टिकली इसे मैं शूट कर सकता हूँ ऐसे रख के। एंड इसे ऐसे मैं अगर लगाता हूँ तो मैं इसे हॉरिजॉन्टल शूट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कितना ज़्यादा स्पेस मिल गया है, एंड यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। एंड ये भी जो एक हुक है, बट इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि आप इसे ऐसे रोटेट कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट आप वर्टिकल शूट के लिए और हॉरिजॉन्टल शूट दोनों के लिए यूज कर सकते हो आप इसे, ऐसा कुछ दिखता है। एंड अब चलते हैं माइक की तरफ, अब माइक का सेटअप करते हैं। माइक के लिए मैंने जैसा मैंने बताया मानो, एंड इसमें आपको बस एक इस माइक की खासियत यह है कि इसमें आपको बैटरी ऑपरेटेड नहीं मिलता है। इसमें आपको कुछ जो भी इंस्ट्रक्शन है, ओमनी डायरेक्शन माइक है ये। इसमें आपको कैरी केस भी एक मिल जाता है जिसपे मानो की बैजिंग भी है, काफी अच्छा है। एंड ये काफी सस्ता है, अराउंड 300 के अप्रॉक्स आ जाता है Amazon पे। एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप है सो इसे GoPro से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड ये जैसे ये 3.5 mm के साथ आता है, एंड उसके बाद ये TRS इसे शायद बोलते हैं, तो इसके थ्रू वो GoPro में कनेक्ट होगा। एंड उसके लिए ही मैंने पैडिंग पूरी रिमूव की है। एंड अगर आपके पास कोई भी मतलब टेप टाइप का हो जिसपे आप चिपका सको इसे, तो आप उसका यूज कर सकते हो। एंड इसमें आपको क्लिप भी मिलता है, मैं इसे हटा देता हूँ। एंड इसका अगर आपको रिव्यू देखना है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, तो लास्ट जो वीडियो मैंने RR 310 का रिव्यू वीडियो शूट किया था वो मैंने इसी माइक से शूट किया था। तो आप एक्चुअली हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं टेप टाइप का, तो हम हैंडी प्लास का यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी इंस्टेंटली हमारे पास यही अवेलेबल था चिपकाने के लिए। पहले मैं मेजर कर लेता हूँ मुझे माइक कहाँ रखना है। माइक मैं इसके स्पैडिंग के अंदर छुपाने वाला हूँ, क्योंकि अगर माइक मैं यहाँ रखता हूँ तो मेरे सांस का जो भी साउंड होगा, मेरे सांस लेने का ब्रीदिंग का, वो डायरेक्ट माइक पे इम्पैक्ट डालेगा, तो उसका ऑडियो उतना क्लियर होगा नहीं। तो इसे मैं थोड़ा अंदर छुपाने वाला हूँ। ये हैंडी प्लास के छोटे छोटे टुकड़े करके हम लगा रहे हैं, तार को पूरे अंदर ही ऐसे एडजस्ट कर लो कि आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। एंड थोड़ा सा बस इसे आप हल्का सा इंच से आप छोड़ दो, मैं पूरा अंदर सेट करके ही। तो ऐसा कुछ मैंने अंदर डाल दिया है, जो भी वायर का सेटिंग था मैंने कर लिया है। एंड अगर इसमें कुछ अनकंफर्टेबल होता है तो मैं चेंज करके देख लूंगा एक बार, मतलब पहन के देख लूंगा, अगर कुछ अनकंफर्टेबल होता है तो मैं चेंज कर लूंगा। एंड फिलहाल पैडिंग करते हैं। एंड ये जो ऊपर की पैडिंग थी वो मैंने कर ली है, एंड अब साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की पैडिंग करते हैं। एंड आप हेलमेट चाहो तो कोई भी यूज कर सकते हो जो जिसमें रिमूवेबल पैडिंग हो। यहाँ देख सकते हो छोटा सा माइक अगर दिख रहा हो तो, यहाँ से तो पता भी नहीं चल रहा है कि अंदर माइक है, यहाँ से आपको फ्रंट से देखने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ माइक लगा हुआ है। एंड इसी तरह लेफ्ट साइड की भी पैडिंग लगा लेते हैं। हेलमेट थोड़ी सी मेरी गंदी हो रखी है। तो इस तरीके से मैंने लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों की पैडिंग लगा ली है। एंड उसके बाद चेन कर्टन बचता है तो इसे भी लगा लेते हैं। एंड चेन कर्टन का थोड़ा सा बेनिफिट होता है, थोड़ा सा हायर स्पीड पर चल रहे हो या फिर विंड प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो तो ये थोड़ा इम्पैक्ट कम कर देता है ऑडियो पे। तो यहाँ पे पूरा हैंडी ब्लास्ट ही डाल देते हैं। वाटरप्रूफ हैंडी ब्लास्ट चाहिए। कैसा लग रहा है बताना कमेंट में, ऐसा कुछ दिखेगा माउंट होने के बाद। एंड देख लो, एंड आप पहन के देखते हैं, कहीं से भी कुछ अनकंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। एंड अब थोड़ा सा इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। एंड अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये GoPro से रिकॉर्ड किया जा रहा है। एंड मैं थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ, बट माइक मेरे थोड़ा क्लोज है। एंड थोड़ा सा देखते हैं सांस का साउंड आ रहा है, यानी मैं सांस ले रहा हूँ। एंड बोलते बोलते भी मतलब सांस का उतना ये टेस्टिंग के बाद मुझे पता चलेगा। तो वैसे आप देख सकते हो कैसा लग रहा है ये।
आपका अगर काम हो जाए तो सिंपली इसे स्क्रू अनस्क्रू करो एंड इसे निकालो, माइक हटाओ और बस ये हट गया। बहुत ही इजी है एंड यहाँ से आप डाटा ट्रांसफर वगैरह भी कर सकते हो। आई होप सो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी एंड ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स लाएंगे, कुछ ट्यूटोरियल्स हो या व्लॉग हो या रिव्यू हो बाइक्स के या कहीं हम घूमने जाते हैं तो उसके लिए। एंड सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, एंड थोड़ा न्यू है तो सपोर्ट करो। एंड अगर कुछ आपको फीडबैक हो या फिर आपको कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ये सेटअप कैसा लगा जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू। और हम मच्छर से जूझ रहे हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया। अभी कितना टाइट हो गया, अभी कमजोर हैंडी प्लास्ट है, वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ हैंडी प्लास्ट है ये।